नौकरी में आना चाहते हैं तो होता क्या एक्चुअल में, देखिएगा देखिएगा बेसिकली एक शिप पर जब आप नौकरी करते हैं तो शिप की दो साइड होती है जिन पर आपको रिक्रूट किया जाता है। बेसिकली तीन बोल देते हैं लेकिन मुख्यतः सिर्फ दो साइड होती है। एक होता है इंजन साइड, क्या होता है, एक होता है इंजन साइड और एक होता है डेक साइड। इन दोनों ही अलग अलग, यानी कि एक शिप है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिएगा आपके सामने जो है वो ये वाला शिप है, ये टैंकर शिप है। क्या ये टैंकर शिप है? अब यहां पर आप देखिएगा ये वाला जो हिस्सा जो ऊपर का जो कामकाज के लिए होता है ये पूरा डेक में होता है, लेकिन इसके नीचे जो होता है वो इंजन वाला काम होता है जो इसके नीचे होता है। तो दो पदों पर जो होता है वो आपकी भर्ती जो होता है वो की जाती है, यानी एक इंजन के लिए डेक के लिए की जाती है। अगर मैं डेक की बात करता हूं, मैं जो खुद जो है वो डेक साइड से था, तो डेक की अगर हम बात करते हैं इसमें पद जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, देखिएगा सबसे पहले जब भी आप अगर जीपी रेटिंग करते हैं, यानी कि जो ओएस का पद होता है जीपी रेटिंग करने के बाद होता है। जीपी रेटिंग किसी भी प्राइवेट आप कॉलेज से कर सकते हैं जो कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसमें जीपी रेटिंग में क्या होता है, 6 महीने का जो होता है, 6 मंथ का जो होता है कोर्स होता है, जिसमें आपको सीडीसी लेनी होती है। सीडीसी पनावा चलेगा या फिर आपका इंडियन सीडीसी भी चल जाएगा, नो इशू। इसके बाद में अगला जब आपका प्रमोशन होगा, ये सब एक्सपीरियंस के आधार पर होता है, ठीक है। आपने कितनी जो होता है मर्चेंट डीबी में कितने जहाजों पर कितना टाइम का एक्सपीरियंस अगर आपने ले रखा है, कितनी जो है आपकी जो होता है ना यात्रा आपने कर रखी है, वो सब चीजें होती है। इसके बाद में आप एबल बॉडी सीमर मंथे से जो है इसे बोसन बोलते हैं, बेसिकली वहां की जो भाषा होती है शिप की वो बोसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बोसन बोलते हैं, ठीक है, ए बी बन जाता है फिर, ठीक है। इसके बाद में ओओडब्ल्यू होता है, इसके जस्ट ऊपर होता है ये थर्ड ऑफिसर होता है। क्या होता है? थर्ड ऑफिसर होता है। इसके बाद में देखिएगा सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर होता है और फिर इसे कैप्टन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये जो होता है ये जो रैंक होती है, ये पूरा जो सीडी होता है ना, ये आपका ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। ऊपर वाला आप देखेंगे यहां तक, ये पूरा जो होता है ऑफिशियल मतलब अधिकारियों वाला पद है। नीचे जो होता है वो एक तरह से समझ लो सफाई कर्मचारी जो होते हैं ओएस, वो प्रमोशन हो करके जो है वो यहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद में वो एग्जाम दे देते हैं, ठीक है, मेट का, थर्ड मेट का, सेकंड मेट का, उसके बाद में वो जो होते हैं वो कैप्टन वाली रैंक में यहां पर आने लग जाते हैं। ये तो जो तो है वो एक पोस्ट का जो होता है वो पूरा सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में चर्चा करता हूं। यहां पर आप देखेंगे एक शिप मैंने यहां पर लगाया हुआ है, ये होता है ऑफशोर वेसल। मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसे, ये देखिएगा ये जो होता है एक ऑफशोर वेसल होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम सिर्फ इतना होता है कि किसी भी देश की कोस्टल एरिया में वहां पर यदि समुद्र में से कोई भी खनिज तत्व निकालना होता है तो इस वेसल का काम, इस वेसल का यूज किया जाता है वहां पर, ठीक है। ये ऑफशोर वेसल होता है, किसी भी देश की समुद्र की सीमा के आसपास ही इसका कामकाज होता है। इस पर भी मैंने जो है ऑफशोर वेसल में भी नौकरी किया हुआ है। अगर वो मिलेगा मैं चेक कर लूंगा गूगल पे तो आपको वो वेसल भी दिखा दूंगा जिस वेसल पर जो है वो मैंने नौकरी किया होता, ठीक है। तो ये जो होता है ऑफशोर वेसल होता है। कितने टाइप के वेसल होते हैं जरा मैं आपको वो बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से हम इसे समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शिप आपको नजर आ रहा होगा ये फेरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फेरीज वेसल बोलते हैं। अच्छा इसका काम क्या होता है? इसका काम सिर्फ इतना होता है यात्रा के लिए होता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आपको छोटे से समुद्री इलाके में अगर आपको घूमना है इंजॉय करना है तो फेरी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद में ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये फिशिंग वेसल है। कौन सा वेसल है? ये फिशिंग वेसल है और इस वेसल का काम होता है समुद्र में से मछलियां पकड़ने का काम होता है। फिशिंग वेसल सामान्यतः 90% तो जो होता है फिशिंग वेसल, ज्यादातर इतनी हाईफाई फिशिंग वेसल नहीं होते। पिक्चर आपको इतनी साफ दिख रही है लेकिन एक्चुअली होते इतने साफ नहीं है, ठीक है। ये फिशिंग वेसल हो गया। इसके बाद में ये वाला जो होता है वो ये टैंकर वेसल होता है। देखिएगा ऐसा नहीं है अगर आपने जीपी रेटिंग कर लिया, डेक कैडेट का कोर्स कर लिया तो आपने बस पढ़ाई कर लिया उसके बाद में आप हर शिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हर शिप का अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया होता है। अगर आप पैसेंजर के लिए जाएंगे तो पैसेंजर का अलग क्राइटेरिया होगा, उसके लिए अलग से आपको पैसेंजर का कोर्स करना पड़ेगा। साथ ही में आपको अगर टैंकर के लिए जाएंगे, गैस कैरियर के लिए जाएंगे तो उनके लिए अलग पढ़ाई होती है, अलग कोर्स करना होता है। छोटे कोर्स होते हैं 15-20 दिन के लिए जिनकी फीस लाखों में होती है। तो
पैसा जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा भी होता है अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप अच्छे जहाज पर जो है नौकरी करना चाहते हैं। तो ये टैंकर होता है, इसके नीचे जो होता है वो ये टैंकर का काम करता है। इसके बाद में देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये ओशियन लाइनर होता है। ओशियन लाइनर ये वाला जो जहाज होता है ये होता है, ये ज्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं होता, लेकिन ये होता है कि अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना चाहते हैं, मान लीजिएगा अगर आप भारत से आप यूएई जाना चाहते हैं, अगर आप भारत से सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो ओशियन लाइनर के माध्यम से आप जा सकते हैं। ये एक लंबी दूरी का जहाज होता है जो कि पैसेंजर यात्रियों को घुमाने के लिए काम भी लिया जाता है। इसके बाद में देखो ये क्रूज शिप है, ये भी इसी का काम करता है, ठीक है। ये भी जो होता है क्रूज शिप बोलो या ओशियन लाइनर बोलो, ये दोनों का काम जो होता है वो एक ही होता है। दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि पैसेंजर को जो है वो यात्रा कराना। इसके बाद में देखिएगा गैस कैरियर होता है। ये वाला जो जहाज आपको दिख रहा होगा ये वाला ये गैस कैरियर है। इसका काम क्या होता है कि गैस को लेके जाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अगर आपने टैंकर का कोर्स कर रखा है तो आप गैस कैरियर में नहीं जा सकते, गैस कैरियर के लिए भी अलग से आपको कोर्स करना पड़ेगा, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सीडीसी वगैरह पूछ रहे थे वो मैं आपको बता दूंगा सीडीसी का मतलब क्या होता है। देखो ये वाला जो आपको दिख रहा हुआ ये रिवर क्रूजर है। रिवर क्रूजर भी एक तरह से छोटी दूरी, जैसे मान लीजिएगा मालदीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, तो वहां की यात्रा करने के लिए काम है रिवर क्रूजर का सामान्यतः इस्तेमाल ज्यादा होता है। यहां पर आप देखो ये रोरो शिप आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला रोरो शिप देखिएगा, रोरो शिप काफी शानदार होता है। इस शिप का काम मुख्य तो ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मालवाहक गाड़ियों को लेके जाना, मालवाहक ना भी हो मतलब कुल मिलाके जो गाड़ियां होती हैं उनको ले जाने का काम करता है रोरो शिप, ठीक है, रोल ऑन रोड ऑफ। तो ये सारी जो चीजें होती हैं एक जगह से दूसरे देश में, मान लीजिए हमारे देश में अमेरिका से कोई सामान आ रहा है, ठीक है, BMW आ रही है साहब, तो BMW जो सामान था इस रोरो शिप में ही आएगी। अब पैसेंजर शिप में बताओ कहां पर खड़ा करेंगे, बताओ जो भी आपका गैस कैरियर है उसमें आप कहां खड़ा करेंगे। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वेसल को जो है वो डिजाइन किया जाता है। तो ये वाला जो वेसल है वो रोरो शिप हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो ये लाइव स्टॉक वेसल है। लाइव स्टॉक वेसल का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेसल जिसमें ऐसा जहाज जिसमें जानवरों को ले जाया जाता है। मान लीजिएगा अब जैसे हमारे देश से, जैसे मान ली हमारे देश से अगर ऊंट को ऑस्ट्रेलिया लेके जाना हो, ठीक है, भैंसों को बंदरों को लेके जाना हो, तो उसके लिए लाइव स्टॉक जो होता है वेसल का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊपर से काफी खुला होता है, शानदार होता है, हवा आती रहती है, एंड पूरा जो होता है बस ये एक तरह से समझ लो ये जो होता है ना ये सामान्यतः जो होता है ये एकदम जालों से बना हुआ होता है। ऊपर का पूरा मामला जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ओशियन लाइनर है, क्रूज शिप है, ऊपर देखिएगा पूरा जो है सीटिंग अरेंजमेंट है, पूरा जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट है। वैसे यहाँ पर जो होता है वो जानवरों का सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद में देखिएगा सभी टाइप के आपको जो है जहाज मैंने आपको दिखा दिए। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए कंटेनर वेसल है। कंटेनर वेसल सामान्यतः आपने देख रखा होगा जो हूती विद्रोही है। हूती विद्रोही आप सबको पता होगा, यानी इज़राइल का लड़ाई चल रहा है हमास से। अब वो जो होता है हूती विद्रोही जो होते हैं वो समर्थक हैं हमास के, ठीक है, आतंकवादियों के समर्थक हैं। अब हूती विद्रोही जो होते हैं वो सामान्यतः जो अटैक कर रहे हैं ना, जो अटैक कर रहे हैं मिसाइलों से, वो कंटेनर वेसल को जो है निशाना बना रहे हैं। सोमालिया के बीच में जब एक बार मैं यात्रा कर रहा था अपने यूएई से लेकर के इधर हम मेडागास्कर साउथ अफ्रीका से होकर के नाइजीरिया हमको जाना था, तो बीच में सोमालिया पड़ता है। सोमालिया में भी एक घटना हमारे साथ हुई थी जो कि वास्तव में दिल दहला देने वाली बात थी, तो वो घटना किसी दिन हम साथ में आपके साथ में शेयर करेंगे। सोमालिया का नाम ज्यादातर आपने देख रखा होगा, जितनी भी पायरेसी होती है, पायरेसी मतलब समुद्र में चोरी जो होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उनको पायरेट्स बोलते हैं। तो पायरेसी की जो घटनाएं होती हैं ज्यादातर वो सोमालिया क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिएगा ये वाला जो हिस्सा आप ऐसे ऐसे मान लीजिएगा ये आपका मेडागास्कर हो गया, ठीक है, ये सागर, ये आपका यूएई क्षेत्र पड़ गया। यहां पर जो होता है इस जगह पर जो होता है वो सोमालिया पड़ता है, ये जो होता है वो सोमालिया का क्षेत्र पड़ता है। यहां से जो भी जहाज जाएगा उस पर वो अटैक कर देंगे। आप कहेंगे सर जी इतने बड़े जहाज में क्या कोई सुरक्षा नहीं होती? सही बताएं सुरक्षा नहीं होती, सुरक्षा भी लेंगे तो काफी कंपनी को खर्चा देना पड़ता है, काफी पैसे में जो होता है वहां की सिक्योरिटी खरीदनी पड़ती है। वो सिक्योरिटी जो होता है वो आपके जहाज को प्रोटेक्ट करती है सोमालिया के क्षेत्र से निकालने के लिए। बाकी हर देश की जो इंडियन जो भी नेवी होती है वो भी बचाने का काम करती है, लेकिन बीच समुद्र में फंस गए आगे सोमालिया पायरेट्स, बताओ क्या करोगे, मदद पहुंचने में टाइम लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इंडियन नेवी जो होता है बड़ा ही बेहतरीन काम कर रही है। अभी आपने देख रखा होगा सोमालिया ने जो होता है एक जहाज को, मुझे नाम भूल रहा हूं मैं, उस जहाज को जो है एकदम जो है समझ लो ना पकड़ लिया था, उसके बाद में इंडियन नेवी जो है गई थी और उनको बचा के लाई थी। तो बेसिकली बहुत सारी कहानियां किसी दिन हम बताएंगे। तो ये सारा जो होता है वो काम
होता है। अब आपके मन में बहुत ज्यादा जो क्यूरियोसिटी होगा कि सर जी इन पर कोई सुरक्षा नहीं होती है क्या? देखो सुरक्षा नहीं होती है भाई, इस जहाज के अंदर ऐसा कोई गन हथियार नहीं होता जिससे आप जो होता है जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनका मुकाबला कर सकें। समुद्री लुटेरों के पास में क्या होता है, AK-47 अत्याधुनिक हथियार उनके पास में होते हैं। वो नीचे से आएंगे इस समुद्र के रास्ते, यहां पर लेडर डारेंगे और लेडर डार के ऊपर चढ़ जाएंगे। बाकी इनके पास में क्या होता है, मर्चेंट नेवी वालों के पास में होता क्या? कुछ नहीं होता, सही बता रहे हैं। अरे क्या, जैसे मान लीजिएगा होज होंगे, हॉज पाइप होंगे, पाइप की जो बड़ी तगड़ी वाली बौछार करी, हाई प्रेशर मशीन से पानी छोड़िएगा, आपको लगता है वो बोट डुबा देंगे? वो बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बचने के लिए क्या होता है, कंपनी हायर करती है सिक्योरिटी गार्ड्स को। तो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास में जो होता है वो जो होता है हथियार होते हैं, वो इस जहाज पर जो होते हैं वो पदस्थ होते हैं। जब वो जहाज इस क्षेत्र से निकल जाता है वो वहां से हट जाते हैं, तो उसके लिए काफी लाखों में जो होता है वो पैसा देना पड़ता है, ठीक है। ये जो होता है वो सिक्योरिटी का मामला होता है। अच्छा जी, इसके बाद में ये देखिएगा, ये रेडियो ऑपरेटर की न्यूज है, तो बस ये चीज है। अब दूसरी आपकी छोटी सी बात है, क्या हमको ज्वाइन करना चाहिए? देखिए मैं कहूंगा, अगर आपके पास में अगर आपका हल्का भी दिमाग चल रहा है ना, तो भाई प्रयास ये करोगे सरकारी नौकरी मिल जाए, इस नौकरी के चक्कर में मत जाइए। अपना आप ध्यान रखिए, कोई मन में डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।